आज हम बनाने वाले हैं लौकी और आलू की सब्जी, जो खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है। और बिल्कुल सरल तरीका बताएंगे आपको बनाने का, तो चलते हैं बना के आपको दिखाते हैं किस तरीके से बनाई जाती है। और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। हेलो गाइस, सम्राट शाक भाई टीवी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं लौकी और आलू की सब्जी। ये खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने आलू, लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च सारी चीज़ों को मैंने साफ पानी से धुल के चॉक कर लिया है। और इधर मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का ऑयल। ऑयल हो रहा है गरम, तो ऑयल हो गया है गरम। मैं डाल दे रही हूँ आधी चम्मच हींग और जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छे से भून ले रही हूँ। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज अच्छे से भुन गई है और मैंने डाल दिया है टमाटर और हरी मिर्च। अब इनको भी अच्छे से भून ले रही हूँ। और अब मिला दे रही हूँ मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मसालों को भी अच्छे से भून ले रही हूँ। मसाले अच्छे से भुन गए हैं और अब डाल दे रही हूँ लौकी। तो लौकी में अच्छे से मसाले मिल गए हैं। और अब डाल दे रही हूँ मैं आलू, जो मैंने काट के रखे हैं पहले से। तो मसाले सारे मैंने आलू और लौकी में मिला दिए हैं। और अब मिला दे रही हूँ मैं आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मिर्च मैंने पहले से ही डाल रखी है हरी, और थोड़ा सा गरम मसाला। और नमक डाल दे रही हूँ स्वाद अनुसार। सब्जी को मैंने ढक दिया है और लो मीडियम गैस पर इसको पकाना है। लौकी और आलू की ग्रेवीदार सब्जी बन चुकी है और मैंने गैस को कर दिया है बंद। अब इसको बाहर निकाल ले रही हूँ। तो देखिए गाइस, आलू और लौकी की ग्रेवीदार सब्जी बन चुकी है। कमी है तो सिर्फ हरी धनिया पत्ती की, तो उसे कीजिए इग्नोर। बताने या बनाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें। और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है इसमें से। आप भी बनाइए और खाइए, और ज़रूर कमेंट में बताइए कि ये खाने में कैसी लगती है।